सभी सम्मानित ममता सिंह अधिगण, यहाँ पे उपस्थित सभी दिग्गजन उज्जैन बिंद, हमारे साथी मेडिकल ऑफिसर सर ने कहा कि एक केस रिप्रेजेंट करें जो केस आपका सफल हो, एक अच्छा छोटी सी कहानी के साथ गंगा के साथ डॉक्टर दीपक सोनी पिछले दिनों लखनऊ गए थे, रास्ते में आ रहे थे, हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके और पीछे से एक आदमी आवाज लगाते आया, डॉक्टर नमस्ते डॉक्टर नमस्ते डॉक्टर नमस्ते, यहाँ भी जाने मेरे साथ कौन। पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था जिसको मैं थोड़ा थोड़ा पहचान रहा था, जहाँ बोलो कहते हैं कितना सब क्या लेंगे आप खाइए, मैं ले आता। मुझे याद आया कि ये वही व्यक्ति है जो पिछले 1.5 साल पहले मेरे पास आया था और इसका बच्चा जो 4 साल का था, 4 साल का बच्चा जो खड़ा होना चलना तो दूर खड़ा होना भी नहीं जानता, खड़ा हो ही नहीं पाता और जुबान भी हकलाती थी, बोल नहीं पाता था, अच्छे शब्द नहीं निकलते थे उसके वजह से, मम्मी पापा भी नहीं बोलता। वो बच्चा मेरे चिकित्सालय में आया हुआ था और मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया है और वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड है, काफी अप्रिसिएशन मिला था उस वीडियो का। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा खड़ा होना शुरू कर दिया और 20वें दिन ये स्थिति थी कि वो बच्चा चलने लगा था अपने पैरों से और चीजों को पकड़ के खींचना नोचना सब बहुत बड़ी और मम्मी पापा बोलना भी शुरू कर दिया। उसको देखते हुए मेरे पास करीब 3-4 केस आए, इस समय रनिंग कंडीशन में 3 केस आए जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, कोई मैंने अलग काम नहीं किया था, बस स्पेसिफिक काम किया था क्योंकि सेरेब्रल पैलसी का केस है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, कुछ इस तरह और चीजें हो सकती हैं जो ब्रेन में ड्यूरिंग बर्थ की प्रॉब्लम आती है, ऐसी चीजें रही होंगी उस बच्चे में। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था क्योंकि गाँव देहात का बच्चा था, डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी और मैं उसे कहूँ तो सिटी MRI कराओ शायद संभव नहीं, तो अनुमान प्रमाण से ही ट्रीटमेंट करना पड़ता था। आप सभी लोग जानते हैं आयुर्वेद की विद्या में विद्वान है कुमार कल्याण रथ, बहुत अच्छी औषधि होती है बच्चों के लिए क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी की औषधि है, 2200-2300 रुपए की पड़ती है, 10 टैबलेट का भूला होती है, लेकिन कुमार कल्याण रथ वाले बहुत अच्छा चमत्कारी रिजल्ट दिया, साथ में कुछ और औषधियां ब्रेन पर काम करने वाली औषधियां उनका भी मैंने सेवन किया, जो एक सबसे स्पेसिफिक औषधि मैंने सेवन किया था क्योंकि द्रव्यगुण के भी विद्वान बैठे हुए हैं, हमने कड़वी बच का सेवन कराया था, कड़वी बच बचा जिसकी डोज आप मैक्सिमम एडल्ट में 500 मिलीग्राम से ज्यादा देंगे तो हेडेक शुरू होने, उस बच्चे में मैंने जो है 100 मिलीग्राम कड़वी बच को दिया था देसी घी के साथ, देसी घी के साथ देने का मेरा एक टारगेट था क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को वही मेडिसिन क्रॉस कर पाती है या वही सब्सट्रेट क्रॉस कर पाते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी था, इसलिए आयुर्वेद की औषधियों का रिकमेंडेशन जो होता है ब्रेन के लिए वो देसी घी बहुत ही प्रेफर किया जाता है। तो कड़वी बच का मैंने उसको प्रयोग कराया था जिसका परिणाम था कि 20वें दिन बच्चा मम्मी पापा बोलना शुरू किया और जब मैं उस दिन मिला उस बच्चे से तो उसने कहा कि उस गार्जियन से तो उन्होंने कहा कि सर तो बहुत बढ़िया खेलता है और बोलता भी है, थोड़ी हकलाहट है क्योंकि दवा कर नहीं पाया लेकिन मैं आम बने, ऐसे केसेस मिलते हैं। अभी हमारे एक साथी मेडिकल ऑफिसर बड़ा अच्छा लगा मुझे, उन्होंने कहा चलिए B27 का एक केस मैंने सॉल्व किया, बड़ा अच्छा लगा। मैं रिकॉर्ड देता हूँ कि मेरे घर में ही मेरा छोटा भाई चलिए B27 पॉजिटिव था 1998 से, तब मैं आयुर्वेद का ग्रेजुएट थे, लेकिन जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा 2004-05 में उसका इलाज आयुर्वेद से करना शुरू किया वो तो ठीक हुआ, आज तक मुझे गिनती नहीं याद होगी मैंने कितने जल्दी पेट में चले रिफंड के बहुत ज्यादा एंकाइलोजिक स्पॉन्डाइटिस के बहुत सारे केस, तो अच्छे आप बहुत अच्छे डायरेक्शन है डॉक्टर साहब, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपको, बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। क्या विचार है, एक चीज और कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में असाध्यता की बात जहां असाध्यता है असाध्यता की तरफ कन्वर्ट होने लगती है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले। आचार्य चरक ने जिन बीमारियों को असाध्य कहा वो बीमारियां उसमें काफी बीमारियों को आचार्य सुश्रुत ने सर्जिकल मेथड से साध्य साबित किया,
ऐसे ही समय की देन है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, रिसर्चेज आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आगे हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ रही है और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग असाध्यता को साध्य करने में हमें सफलता मिल सकती है समय अगर हम उसमें देते हैं, काम करते हैं। एक छोटा सा प्रयास मेरा और था पिछले 5 सालों से, इनफर्टिलिटी सेंटर आप सभी लोगों ने देखा है कि इनफर्टिलिटी सेंटर इंदिरा एरिया वर्तमान खुले हुए, लेकिन कभी आयुर्वेद का इनफर्टिलिटी सेंटर आपने ध्यान दिया? बहुत रेयर, जिन्हें चुने प्रदेशों में अगर देखेंगे पूरे इंडिया में मुझे लगता है 5, 10 या 15 ऐसे जो लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद। मेरी वाइफ भी आयुर्वेद से ग्रेजुएट है, हम लोगों ने एक नया करने का सोचा, आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना शुरू 2015 से। और इस समय मुझे यहां पर याद है कि कम से कम 30 से 40 ऐसे केसेस ठीक हुए होंगे जो शायद हर जगह से हर दरवाजे से मत्था टेक कर आए, और हर साल 5-6 ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, जो ना उम्मीदी के में उम्मीदी के किरण लेकर आते हैं कि बिल्कुल निराश हो चुके। ऐसे ही केसेस जो है सफल होते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आयुर्वेद से हार्मोनल इम्बैलेंस इतना बढ़िया बैलेंस होता है कि आप सोच नहीं सकते। आयुर्वेद से हार्मोन बैलेंस होता है और ये पीसीओडी पीसीओ या फाइब्रॉइड ये जितनी चीजें हैं ना वो देखते देखते ऐसे ठीक होती है कि हम कह नहीं सकते, एकदम साधारण दवाइयों से। और मिनिमम कास्ट मंथली अगर देखा जाए 1,000 से 2,000 या 3,000 रुपए से ज्यादा मंथली कास्ट नहीं पड़ती है आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने से, और वहां पे एक एक दिन का 15 से 20,000 बन जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेद। हर साल मुझे अच्छा लगता है कि 5-6 बच्चे जो सफल होते हैं, प्रेगनेंसी सफल होती है, 9 महीने तक केयर करते हैं हम लोग, इसके बाद उनको रेफर करते हैं, अपनी सुविधा से जहां चाहे डिलीवरी करा सकते हैं क्योंकि मेरे पास डिलीवरी कराने की सुविधा नहीं, ये छोटी सी क्लिनिक है। तो मिठाइयां लेकर जब आते हैं तुम्हें अच्छा, उस पर भी बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने बनाए, कई फोटोग्राफ सब भी है मेरे पास कलेक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद बहुत है, अगर हम आप चाहेंगे तो आएंगे सुपा बहुत कुछ हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, अमित जी को सादर आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मौका दिया मुझे कुछ कहने का, और हमारे जीएस तोमर सर का मैं बहुत ही ऋणी रहता हूँ।